Welcome to Blind Bankers of India. The videos uploaded on this channel are recorded for educational purposes. These are specially designed for persons with vision impairment. Press the bell icon to subscribe to our channel. हेलो बैंकर्स, आज हम समझते हैं कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्या होता है। मैं निधि कोठारी आज एक टॉपिक लेकर आई हूँ, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। फ्रेंड्स, JAIIB का सेकंड पेपर होता है अकाउंटिंग एंड फाइनेंस फॉर बैंकर्स, उसका सेकंड मॉड्यूल, जिसमें आपको ये मिलेगा बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो आज हम समझेंगे कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्यों तैयार किया जाता है, वो क्या होता है और उसके रूल्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्या है। फ्रेंड्स, BRS हम नाम से समझ सकते हैं कि ये एक स्टेटमेंट है, ये अकाउंट नहीं है जो बैंक अपने पास मेंटेन रखती है, जो बैंक ऑपरेट करती है। ये एक स्टेटमेंट है जो कस्टमर खुद प्रिपेयर करता है। फाइन, अब इसके कुछ रूल्स होते हैं, वो रूल्स हम देखेंगे जिससे हम समझ पाएंगे बेहतर कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्या होता है। अब यहाँ पे हम एक सिनेरियो लेते हैं, राम एंटरप्राइज सपोज कर लिए। अब राम एंटरप्राइज है, वो अपने पास एक बुक मेंटेन करती है जिसे कैश बुक कहते हैं। फाइन, कैश बुक 3 कॉलम की होती है, सिंगल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम ना कैश बुक और ट्रिपल कॉलम कैश बुक। BRS प्रिपेयर करने के लिए हम जो कैश बुक लेंगे वो डबल कॉलम कैश बुक रहेगी। अब अदर साइड है पासबुक, जो बैंक मेंटेन करेगी। ओके, तो BRS प्रिपेयर करने के लिए 2 बुक्स का यूज होगा, कैश बुक और पासबुक। कैश बुक है जो राम एंटरप्राइज अपने पास मेंटेन रख रही है, और पासबुक है वो जो बैंक के पास है। कैश बुक में और पासबुक में 2 कॉलम्स होते हैं। हमने यहाँ पे कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक ली हुई है, जिसका कैश कॉलम है और बैंक कॉलम है। हमें मेनली डील करना है तो बैंक कॉलम जो है कैश बुक का, हमें उसके साथ डील करना है। कैश कॉलम का BRS में कोई रोल नहीं है। तो जो भी हमारी एंट्रीज आएगी कैश बुक में, वो बैंक कॉलम में आएगी। ओके, अब जो कैश बुक है उसकी 2 कॉलम होती है, डेबिट, 2 साइट होती है, डेबिट साइट और क्रेडिट साइट। ओके, हम ये जानते हैं जो एसेट होता है वो डेबिट साइड रिकॉर्ड किया जाता है, और जो लायबिलिटी होता है वो क्रेडिट साइड रिकॉर्ड किया जाता है। राम एंटरप्राइज जो अपने पास कैश बुक मेंटेन रखेगी, वो अपना बैलेंस है वो डेबिट साइड वो अपडेट रखेगी, और जो उसका लायबिलिटी है, जो उसका पेमेंट है, वो क्रेडिट साइड मेंटेन रखेगी। ओके, यही होता है। तो राम एंटरप्राइज जो बुक मेंटेन कर रही है, वो बैंक को ध्यान में रख के बुक मेंटेन कर रही है, क्योंकि बैंक के पास हमारे अकाउंट्स होते हैं, तो बैंक के लिए लायबिलिटी होता है, हमारे लिए एसेट होता है, और हमें कुछ बैंक को रिपे करना होता है, वो बैंक के लिए एसेट होता है, हमारे लिए लायबिलिटी होता है। ओके, तो इसी तरह कैश बुक की जो 2 साइड है, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, जो डेबिट साइड है वो माइनस बैलेंस है, जो डेबिट साइड है वो एसेट है, और क्रेडिट साइड है वो लायबिलिटी है। अब यहाँ पे कुछ रूल्स हैं जो हमें समझना है। जो बैंक, जो कैश कॉलम, जो कैश बुक है उसका जो डेबिट बैलेंस है वो करंट अकाउंट बैलेंस है, और जो क्रेडिट बैलेंस है, जो क्रेडिट साइड का बैलेंस है, वो ओवरड्राफ्ट बैलेंस है। कैश बुक की 2 कॉलम है, डेबिट साइड जो बैलेंस है वो करंट अकाउंट बैलेंस है, और क्रेडिट साइड जो बैलेंस है वो ओवरड्राफ्ट बैलेंस है। ओके, इसी का अपोजिट पासबुक में रहेगा। पासबुक का जो डेबिट बैलेंस है वो ओवरड्राफ्ट बैलेंस रहेगा, और क्रेडिट बैलेंस है वो कैश करंट अकाउंट बैलेंस रहेगा। फाइन, ये हमें याद रखना है, कैश बुक का डेबिट बैलेंस करंट अकाउंट बैलेंस, पासबुक का क्रेडिट बैलेंस करंट अकाउंट बैलेंस, कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस ओवरड्राफ्ट बैलेंस, पासबुक का डेबिट बैलेंस ओवरड्राफ्ट बैलेंस। ठीक है, अब कैश बुक का जो डेबिट बैलेंस है वही पासबुक का क्रेडिट बैलेंस रहेगा,
और कैशबुक का क्रेडिट बैलेंस है वही पासबुक का डेबिट बैलेंस रहेगा। हम जब BRS तैयार करेंगे तो जो कैशबुक का डेबिट बैलेंस आएगा वही पासबुक का क्रेडिट बैलेंस आना चाहिए, और जो पासबुक का डेबिट बैलेंस आएगा वही कैशबुक का क्रेडिट बैलेंस आना चाहिए। ओके, तो आई होप ये डिफरेंस आपको समझ में आया होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं। अब सपोज दिया रहता है कि स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ कैशबुक, अब स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ कैशबुक 10,000, तो हमें समझना है कि जो 10,000 दिया हुआ है उसने कैशबुक का डेबिट बैलेंस दिया हुआ है। अगर कुछ शो नहीं करता है तो वो कैशबुक का डेबिट बैलेंस है, फाइन, जिसे हम फेवरेबल बैलेंस भी कहते हैं। कैशबुक का डेबिट बैलेंस करंट अकाउंट बैलेंस भी है, फेवरेबल बैलेंस भी है, वो है 10,000। अब सपोज कर लो राम एंटरप्राइज ने कोई चेक डिपॉजिट करवाना है, उसे सपोज कर लो 2,000 का चेक मिला हुआ है। अब वो डिपॉजिट करवाने बैंक में जाएगा, बैंक 2 दिन के बाद डिपॉजिट करेगी, फाइन, उसने चेक क्लियरिंग में डाल दिया, 2 दिन लग गए, अभी पासबुक अपडेट नहीं हुई है, तो कैशबुक का जो बैलेंस था वो 10,000 था, 2,000 का चेक गया, लेकिन अभी वो पासबुक अपडेट नहीं हुई है, तो पासबुक का बैलेंस तो 8,000 ही रह गया। यहाँ पे जो कैशबुक में 10,000 का बैलेंस था उसको चेक मिल गया, उसने 2,000 कैशबुक में अपडेट कर दिया, उसके बाद वो चेक बैंक के पास लेके गया, बट जो 2 दिन जो लगे बैंक को डिपॉजिट करने में, तो इस 2 दिन के दौरान जो पासबुक का बैलेंस रहा वो तो 8,000 ही रहा। तो इस 2,000 के बैलेंस को पकड़ने के लिए हमने बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट की तैयारी की। अब यहाँ पे कुछ रूल्स हैं जो मैं आपको बता दूँ, पहले हम रूल्स को नोट कर लेंगे उसके बाद उसे अप्लाई करेंगे, फाइन, एग्जाम्पल के तौर पे, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। पहला रूल है डिपॉजिट विल डिडक्ट द बैलेंस। राम एंटरप्राइज ने जो 2,000 का चेक डिपॉजिट करवाने दिया था बट पासबुक में भी वो अपडेट नहीं हुआ है, तो डिपॉजिट विल डिडक्ट द बैलेंस, चेक डिपॉजिट करवाने दिया बैंक ने अभी अपडेट नहीं किया, तो यहाँ पे ये रूल अप्लाई होगा, डिपॉजिट विल डिडक्ट द बैलेंस। सेकेंड है इशू विल ऐड द बैलेंस। राम एंटरप्राइज ने कोई चेक इशू किया बट उसने सामने किसी पार्टी को चेक दिया होगा, सपोज करो श्याम एंटरप्राइज को चेक दिया, श्याम एंटरप्राइज बैंक के पास गई नहीं अभी, ओके, तो राम एंटरप्राइज की पासबुक है वो तो अभी अपडेट हुई नहीं, तो रूल अप्लाई होगा इशू विल ऐड द बैलेंस। तो ये 2 ट्रांजेक्शन हुई, वो राम एंटरप्राइज की अपनी तरफ से हुई। अब कुछ एंट्रीज ऐसी भी होती हैं जो राम एंटरप्राइज के अकाउंट्स में अपडेट होती है वो बैंक की तरफ से होती है। सपोज कर लो बैंक ने कुछ क्रेडिट एंट्री दी हुई है राम एंटरप्राइज को, फाइन, जैसे कुछ शेयर इश्यूज किए होंगे, उसका 2,000 का डिविडेंड दिया, तो बैंक ने जो राम एंटरप्राइज की अकाउंट में जो एंट्री डाली, सपोज करो 200 की एंट्री डाली, तो पासबुक में क्रेडिट हो गई वो तो, बट अभी राम एंटरप्राइज को पता नहीं है कि उसके अकाउंट में 200 हुए हैं, तो उसने अपने कैशबुक तो अपडेट की नहीं, तो यहाँ पे क्रेडिट एंट्री जो आएगी इट विल ऐड द बैलेंस। जो 200 क्रेडिट आया उसे अपने कैशबुक में अपडेट तो करना पड़ेगा ना, तो क्रेडिट एंट्री विल ऐड द बैलेंस और डेबिट एंट्री विल डिडक्ट द बैलेंस। सपोज कर लो राम एंटरप्राइज का कोई लोन चल रहा है, उसने अपना जो EMI है वो कटवाया, तो वो उसके अकाउंट से डिडक्ट हो गया, तो जो बैंक ने EMI डिडक्ट किया, अब वो राम एंटरप्राइज को सपोज कर लो नहीं पता है कि उसका जो EMI है वो डिडक्ट हो गया, या फिर उसे पता है वो कैशबुक में अपडेट करना भूल गया, तो डेबिट एंट्री विल डिडक्ट द बैलेंस, उसे अपना कैशबुक है वो अपडेट करना पड़ेगा डेबिट एंट्री से, ठीक है। तो ये 4 रूल है जो हमें याद रखने, डिपॉजिट विल डिडक्ट द बैलेंस, इशू विल ऐड द बैलेंस, क्रेडिट एंट्री विल ऐड द बैलेंस, डेबिट एंट्री विल डिडक्ट द बैलेंस। अब इसे एक एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। कैशबुक का
स्टार्टिंग पॉइंट है 10,000, स्टार्टिंग पॉइंट मतलब डेबिट बैलेंस 10,000। राम एंटरप्राइज ने एक चेक डिपॉजिट करवाने दिया 2,000 का, बट बैंक ने अभी डिपॉजिट नहीं किया, तो हमारा रूल है डिपॉजिट विल डिडक्ट द बैलेंस, तो हम 10,000 में से 2,000 माइनस कर देंगे, 8,000। फाइन। सेकेंड एंट्री, राम एंटरप्राइज है, उसने 1,000 रुपये का चेक इशू किया, उसने श्याम एंटरप्राइज को दिया, श्याम एंटरप्राइज अभी बैंक के पास गई नहीं है डिपॉजिट करवाने, इसलिए राम एंटरप्राइज की बुक में वो बैलेंस तो अभी डिडक्ट हुआ ही नहीं है। तो जो 1,000 का चेक दिया था, तो हमारा रूल क्या था, इशू विल ऐड द बैलेंस, तो यहाँ पे प्रीवियसली हमारा बैलेंस था 8,000, इसे हम 1,000 से अपडेट कर देंगे, 9,000 बैलेंस हुआ, ठीक है 9,000। फिर सपोज कर लियो बैंक ने कुछ क्रेडिट एंट्री दी हुई है राम को, कुछ डिविडेंड वगैरह दिया हुआ है 200 रुपये का सपोज कर लो, तो क्रेडिट एंट्री विल ऐड द बैलेंस, उसका पासबुक में तो एंट्री आ गया लेकिन कैशबुक में भी एंट्री आई नहीं है, तो उसे अपडेट करना पड़ेगा, तो 200 रुपया वो ऐड करेगा यहाँ पे, तो बैलेंस बन जाएगा 9,200। फिर बैंक ने कुछ EMI डिडक्ट कर लिया 100 रुपये का, तो पासबुक से तो एंट्री निकल गया, फाइन पासबुक में डेबिट एंट्री आ गई, बट अभी कैशबुक में अपडेट हुई नहीं है, तो वो अपडेट करनी पड़ेगी, तो डेबिट एंट्री विल डिडक्ट द बैलेंस, तो यहाँ पे 9,200 का जो बैलेंस था वो 9,100 हो गया, फाइन। तो प्रीवियसली जो बैलेंस था कैशबुक का, स्टार्टिंग पॉइंट था 10,000, हमने सारा ही कुछ डिपॉजिट इशू किया, फिर डेबिट क्रेडिट किया, तो एट द एंड बैलेंस निकला 9,100। तो इस समय राम एंटरप्राइज की पासबुक में जो बैलेंस है वो है 9,100 रुपये, और वो है क्रेडिट बैलेंस। रूल है कि जो डेबिट बैलेंस होना चाहिए कैशबुक का, वही पासबुक का क्रेडिट बैलेंस होना चाहिए, बट ये जो अपडेशंस थी वो नहीं हो पाई, तो उसके कारण यहाँ पे 900 रुपये का डिफरेंस आ गया। यहाँ पे 10,000 बैलेंस था डेबिट बैलेंस, और पासबुक का क्रेडिट बैलेंस भी 10,000 होना चाहिए था, लेकिन बैलेंस था 9,100। तो ये 900 रुपये का डिफरेंस हमें कैसे पता चला, हमने ये रूल्स अप्लाई किए, फाइन, और इन रूल्स को ध्यान में रख के जो हमने डेबिट और क्रेडिट को अप्लाई किया, तो उस पर से ये 900 रुपये का जो डिफरेंस था वो निकला। तो इस 900 रुपये के डिफरेंस को रिकंसाइल करने के लिए BRS तैयार किया जाता है। होप आई एम क्लियर। तो ये थे डेबिट साइड, अब हम क्रेडिट साइड को सीखेंगे। अगर कैशबुक का बैलेंस है ओवरड्राफ्ट बैलेंस, अगर कैशबुक का स्टार्टिंग पॉइंट है तो मतलब वो ऑलवेज डेबिट बैलेंस रहेगा, और डेबिट बैलेंस हमेशा कैशबुक का क्रेडिट बैलेंस पासबुक का क्रेडिट बैलेंस रहेगा, तो इसी का अपोजिट हो जाएगा। कैशबुक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस दिया हुआ है 10,000, तो वही पासबुक का भी ओवरड्राफ्ट बैलेंस होना चाहिए जो डेबिट है, ओके। तो अब कैशबुक का क्रेडिट बैलेंस है 10,000। अब सपोज कर लो राम एंटरप्राइज ने 2,000 का चेक डिपॉजिट करवाया, हम प्रीवियस एग्जांपल को ही लेते हैं, चेक डिपॉजिट करवाया, अब यहाँ पे रूल क्या आएगा, डिपॉजिट विल ऐड द बैलेंस, फाइन। पहले रूल था डिपॉजिट विल डिडक्ट द बैलेंस, यहाँ पे जो उसका ओवरड्राफ्ट बैलेंस है 10,000, उसने 2,000 का चेक इशू करवाया डिपॉजिट करवाया, तो यहाँ पे रूल अप्लाई होगा डिपॉजिट विल ऐड द बैलेंस, 2,000 है और 10,000 है, उसका बैलेंस हो जाएगा 12,000। फिर उसने 1,000 रुपये का चेक इशू किया, 1,000 रुपये का चेक इशू किया, तो इशू विल डिडक्ट द बैलेंस, उसने चेक इशू करके श्याम एंटरप्राइज को दे दिया, श्याम एंटरप्राइज है उसने अभी बैंक में चेक जमा नहीं करवाया हुआ, तो जिसके कारण राम एंटरप्राइज की जो पासबुक है वो अपडेट नहीं हुई, तो इशू विल एड डिडक्ट द बैलेंस, तो जो बैलेंस था 12,000 अब वो 11,000 हो गया। अब सपोज कर लियो बैंक ने कुछ क्रेडिट एंट्री दी हुई है, जैसे डिविडेंड दिया था 200 रुपया, फाइन, पासबुक में 200 रुपया आ गया लेकिन कैशबुक में अभी वो अपडेट नहीं हुआ है, ये हमारा ओवरड्राफ्ट बैलेंस है, तो क्रेडिट एंट्री विल डिडक्ट द बैलेंस, क्रेडिट एंट्री यहाँ पे बैलेंस को डिडक्ट करेगी, उसका बैलेंस था 11,000, अब बैलेंस हो गया 10,800।
अब बैंक ने कुछ जो ईएमआई था वो डिडक्ट किया 100 रुपये का लोन पर, तो पासबुक में तो वो डेबिट हो गया लेकिन कैशबुक में वो अपडेट नहीं हो पाया, तो डेबिट एंट्री विल ऐड द बैलेंस। तो यहाँ पे जो बैलेंस 10,800 था अब वो 10,900 हो गया, जो डेबिट हुआ था उसे हमने यहाँ पे ऐड किया। तो जो डेबिट बैलेंस था पहले कैशबुक का स्टार्टिंग पॉइंट, उसके रूल्स थे डिपॉजिट विल डिडक्ट द बैलेंस, इशू विल ऐड द बैलेंस, डेबिट एंट्री विल डिडक्ट द बैलेंस, क्रेडिट एंट्री विल ऐड द बैलेंस। यहाँ पे रूल्स है वो अपोजिट हो गए, डिपॉजिट विल ऐड द बैलेंस, इशू विल डिडक्ट द बैलेंस, क्रेडिट एंट्री विल डिडक्ट द बैलेंस, डेबिट एंट्री विल ऐड द बैलेंस। तो जो कैशबुक का स्टार्टिंग पॉइंट था तब हमारा आंसर आया था 9,100, ठीक है, जो एट द टाइम पासबुक में उसका बैलेंस था 9,100 रुपया। और जब कैशबुक का क्रेडिट बैलेंस हमने निकाला जो 10,000 था, हमने सारे ही कुछ इशू डिपॉजिट डिडक्ट ऐड करके जो हमने बैलेंस निकाला वो अब निकला 10,800, 10,900, फाइन। तो अब जो पासबुक का उसका बैलेंस रहेगा ओवरड्राफ्ट बैलेंस वो रहेगा 10,900। तो यहाँ पे जो डिफरेंस आया उसने कुछ अपडेशन नहीं किया था इसलिए जो डिफरेंस आ गया, तो इस डिफरेंस को निकालने के लिए हमने बीआरएस बनाया, फाइन। तो अब ये जो डिफरेंस था 10,000 से 9,100 हुआ तो 900 का डिफरेंस था, यहाँ पे 10,000 से 10,900 हो गया तो यहाँ पे भी 900 का डिफरेंस आ गया, तो इस डिफरेंस को पकड़ने के लिए हमने बीआरएस बनाया, फाइन। तो जब ये बंदा राम एंटरप्राइज जब सारा ही सब कुछ ऐड और डिडक्ट कर लेगा, डेबिट और क्रेडिट कर लेगा, उसके बाद उसका बैलेंस वापस जैसे कैशबुक में 10,000 था वैसे ही पासबुक में 10,000 आ जाएगा। तो इस डिफरेंस को पहचानने के लिए जो हमने स्टेटमेंट बनाया वो बीआरएस स्टेटमेंट हुआ। होप आई एम क्लियर सो फार। अब ऐसे ही अब समझते हैं पासबुक। पासबुक की दो दो साइड होती है, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, फाइन। पासबुक का जो डेबिट बैलेंस होता है वो ओवरड्राफ्ट बैलेंस होता है, और पासबुक का क्रेडिट बैलेंस होता है वो करंट अकाउंट का बैलेंस होता है। तो जैसे हमने कैशबुक का जो स्टार्टिंग पॉइंट देखा था, स्टार्टिंग पॉइंट का बैलेंस हमेशा पासबुक के बैलेंस पर जाएगा, जो कैशबुक का स्टार्टिंग पॉइंट था 10,000 डेबिट बैलेंस वो हमेशा पासबुक का क्रेडिट बैलेंस रहेगा। तो इसी तरह अब पासबुक का जो क्रेडिट बैलेंस है वो हमेशा कैशबुक का डेबिट बैलेंस रहेगा, ठीक है। जो स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा जिस बुक का उसका एंड उसके अपोजिट बुक पर जाएगा। अगर स्टार्टिंग पॉइंट कैशबुक है तो हमें बैलेंस पासबुक को ध्यान में रख के निकालना है, और अगर पासबुक स्टार्टिंग पॉइंट है तो हमें बैलेंस कैशबुक को ध्यान में रख के निकालना है। तो अब लेते हैं पासबुक का डेबिट बैलेंस जो ओवरड्राफ्ट बैलेंस है वो 10,000 है। तो जो हमने रूल्स कैशबुक के क्रेडिट बैलेंस डेबिट बैलेंस पर अप्लाई किए थे, जो कैशबुक का डेबिट बैलेंस है करंट अकाउंट बैलेंस उस पर जो हमने रूल्स अप्लाई किए थे वही सेम रूल्स पासबुक के डेबिट बैलेंस पर अप्लाई होंगे जो ओवरड्राफ्ट का अकाउंट है। डिपॉजिट विल डिडक्ट द बैलेंस, इशू विल ऐड द बैलेंस, क्रेडिट एंट्री विल ऐड द बैलेंस, डेबिट एंट्री विल डिडक्ट द बैलेंस। पासबुक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस है 10,000, फाइन। राम ने चेक इशू किया, राम ने चेक डिपॉजिट किया 2,000 का, अभी डिपॉजिट हुआ नहीं है, उसने कैश बुक अपडेट की नहीं, मतलब तो बैलेंस यहाँ पे हो जाएगा 12,000। फिर उसने 1,000 रुपये का चेक इशू किया तो इशू विल ऐड द बैलेंस। राम ने जो चेक डिपॉजिट किया था डिपॉजिट विल डिडक्ट द बैलेंस, उसका बैलेंस हो जाएगा 8,000। फिर 1,000 रुपये का चेक उसने इशू किया तो इशू विल ऐड द बैलेंस, उसका बैलेंस हो गया 9,000। फिर बैंक ने 200 रुपया कट किया, फाइन। तो क्रेडिट एंट 200 रुपये ऐड किया तो क्रेडिट एंट्री विल ऐड द बैलेंस, यहाँ पे 200 रुपये ऐड हो गया 9,200। फिर डेबिट एंट्री विल डिडक्ट द बैलेंस, बैंक ने 100 रुपया डिडक्ट किया लोन का ईएमआई के हिसाब से, तो डेबिट एंट्री विल डिडक्ट द बैलेंस, तो बैलेंस हो गया 9,100, ठीक है। जो कैशबुक का डेबिट बैलेंस आया था वही यहाँ पे पासबुक का डेबिट बैलेंस आया, हमने वही एग्जाम्पल लिया इसके लिए। तो कैशबुक का जो डेबिट बैलेंस था वो तो करंट अकाउंट बैलेंस था, लेकिन पासबुक का जो डेबिट बैलेंस है वो ओवरड्राफ्ट बैलेंस है, तो यहाँ पे ओवरड्राफ्ट बैलेंस आया 9,100,
फाइन। तो पासबुक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस है 9,100, जो कैशबुक का क्रेडिट बैलेंस होना चाहिए था, लेकिन ये सारी अपडेशंस नहीं हुई इसलिए उसका बैलेंस, ये जो 900 रुपये का डिफरेंस आ गया वो हमें पकड़ लिया BRS के हिसाब से। अब यही कैशबुक पासबुक का हम क्रेडिट बैलेंस लेते हैं, जो करंट अकाउंट का बैलेंस है, फाइन। तो उस पर रूल सारे अप्लाई होंगे जो कैशबुक के ओवरड्राफ्ट बैलेंस पर हमने रूल अप्लाई किए थे। डिपॉजिट विल ऐड द बैलेंस, इश्यू विल डिडक्ट द बैलेंस, क्रेडिट एंट्री विल डिडक्ट द बैलेंस, डेबिट एंट्री विल ऐड द बैलेंस। पासबुक का क्रेडिट एंट्री है 10,000, राम एंटरप्राइज ने 2,000 का चेक डिपॉजिट किया, तो डिपॉजिट विल ऐड द बैलेंस, बैलेंस हो जाएगा 12,000। फिर उसने 1,000 रुपये का चेक इशू किया, इशू विल डिडक्ट द बैलेंस, बैलेंस हो गया 11,000। फिर बंदे को क्रेडिट एंट्री मिला बैंक की तरफ से, 200 रुपये डिविडेंड मिला, तो क्रेडिट एंट्री विल डिडक्ट द बैलेंस, बैलेंस हो गया 10,800। फिर 100 रुपये का EMI उसने पे किया, बैंक ने डेबिट किया, तो डेबिट एंट्री विल ऐड द बैलेंस, बैलेंस हो गया 10,900। तो जो हमारा कैशबुक का क्रेडिट बैलेंस था ओवरड्राफ्ट बैलेंस, फाइन, उसके जो रूल्स थे वही पासबुक का क्रेडिट बैलेंस के रूल बन गए, और कैशबुक के डेबिट बैलेंस के जो रूल्स थे वही पासबुक के डेबिट बैलेंस के रूल बन गए। तो इस तरीके से BRS तैयार की जाती है और ये सारे रूल्स अप्लाई किए जाते हैं। हमें जो डिफरेंस मिला वो डिफरेंस उसकी अपडेशन ना होने के हिसाब से मिला था, फाइन। तो इसी डिफरेंस को पकड़ने के लिए BRS बनाया जाता है। तो जैसे कि हमने देखा कैशबुक और पासबुक दोनों में किस तरह एंट्री की जाती है और किस तरह BRS प्रिपेयर किया जाता है। और फ्रेंड्स, यहाँ पे एक एक्सेप्शनल चीज़ है जो मुझे आप सबको बतानी थी। जैसे हम जानते हैं कि कैशबुक का डेबिट बैलेंस पासबुक का क्रेडिट बैलेंस बनेगा और कैशबुक का क्रेडिट बैलेंस पासबुक का डेबिट बैलेंस बनेगा। सपोज कर लो कैशबुक का क्रेडिट बैलेंस हमने दिया हुआ है, फाइन। अब तक हम देख रहे थे कि कैशबुक का क्रेडिट बैलेंस था पॉजिटिव में था 10,000। अगर वो बैलेंस हमको नेगेटिव में दिया रहता है, अगर कैशबुक का क्रेडिट बैलेंस जो ओवरड्राफ्ट बैलेंस है अगर हमें माइनस में दिया जाए, -10,000, और सम सॉल्व करने के बाद अगर हमारा आंसर पॉजिटिव बैलेंस में आता है तो वो हमें पासबुक के क्रेडिट साइड में प्लेस करना है। ये एक एक्सेप्शन है, रूल तो यही कहता है ना कि कैशबुक का डेबिट बैलेंस है वो पासबुक का क्रेडिट बैलेंस बनेगा। बट इस केस में अगर कैशबुक का क्रेडिट बैलेंस है अगर वो पॉजिटिव है और अगर उसका आंसर भी पॉजिटिव आता है तब तो वो पासबुक के डेबिट बैलेंस में ही प्लेस होगा जो ओवरड्राफ्ट। बट अगर कैशबुक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस नेगेटिव है और उसका आंसर पॉजिटिव आता है तो वो पासबुक के क्रेडिट बैलेंस में प्लेस होगा, और वही चीज़ पासबुक में ही अप्लाई करेगी। पासबुक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस अगर नेगेटिव में दिया जाए और उसका आंसर पॉजिटिव बैलेंस में आता है तो वो कैशबुक के डेबिट बैलेंस में प्लेस होगा, फाइन। वैसे इसका अपोजिट भी है, अगर कैशबुक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस पॉजिटिव में दिया है और बैलेंस नेगेटिव आता है तो पासबुक की क्रेडिट साइड में प्लेस होगा, और अगर पासबुक का डेबिट बैलेंस पॉजिटिव दिया हुआ है और बैलेंस नेगेटिव में आता है तो वो कैशबुक के डेबिट साइड में प्लेस होगा। तो ये एक एक्सेप्शन है, अदरवाइज सारे रूल्स हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, बट ये एक्सेप्शन है जो हमें ध्यान रखना होता है।